सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप ही के अपने इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रुपेश और आज हम बात करने वाले हैं SSD ड्राइव के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपने नहीं सुना है SSD ड्राइव क्या होता है, तो हम आज SSD ड्राइव के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए कर देते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर में जो है हार्ड डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल होता है, जो कि आपके डेटा को सेव करता है, जिससे कि आप रीड और राइट का यूज़ जो है वो कर पाते हैं आपके कंप्यूटर में। इसी तरह से दोस्तों ये SSD जो है ये काम करता है। चलिए अब बात करते हैं SSD से हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या SSD से हमारा कंप्यूटर अल्ट्रा फास्ट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे स्टोरेज की, तो हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है, जो यहाँ पर लगाई जाती है, वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें कि हमारा डेटा जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टोर हम कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी हार्ड डिस्क का अंदर का स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसमें कि आप डिस्क देख पा रहे हैं और इस डिस्क के ऊपर में ही जो है हमारा डेटा जो है स्टोर होता है। तो जैसे कि आप इसके अंदर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डिस्क लगी हुई है जो एक मैकेनिकल डिस्क की तरह काम करता है दोस्तों, और यहाँ पर जो है ये डिस्क घूमता है, जिसकी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि आपके हार्ड डिस्क में जो है हल्की सी आवाज़ जो है वो आती है, थोड़ा सा नॉइज़ भी करता है हमारा हार्ड डिस्क। तो ये जो नॉइज़ होता है दोस्तों, ये नॉइज़ जो है इसके घूमने के वजह से जो है हमें सुनाई देता है। और जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर जब कोई भी यहाँ पर ड्राइव को घुमाया जाता है तो उसकी एक लिमिट होती है, जिसके वजह से वो एक अपने लिमिट में ही घूम पाता है। और यहाँ पर कुछ दिनों बाद जो है इसकी स्पीड में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है, जिसके वजह से हमारी हार्ड डिस्क जो है वो कभी कभी ठीक ढंग से काम भी नहीं करती है। दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे हार्ड डिस्क की। अब जो लेटेस्ट यहाँ पर जो ड्राइव आया है दोस्तों, वो है SSD। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो है इसमें पूरी तरह से चिप बेस पर ये पूरी जो हार्ड डिस्क है वो बनाई गई है। अगर आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ तो आप दोनों में डिफरेंस आपने देखा कि पहले वाले हार्ड डिस्क में जो है दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क लगा हुआ रहता है और डिस्क घूमता है और उसके बाद जो है इसे जो है वो रीड कर पाता है। बट यहाँ पर अगर हम SSD की बात करें तो यहाँ पर चिप बेस पे ये काम करता है। तो सारे देख रहे हैं आप, अलग अलग तरह के चिप जो है इसमें लगाए गए हैं, जिसके वजह से इनकी जो स्पीड होती है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है फास्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे मोबाइल में भी जो है पूरे चिप बेस पर ही ये हमारा जो है मोबाइल का मदरबोर्ड काम करता है, जिसके ऊपर में दोस्तों यहाँ पर जो है छोटे छोटे चिप होते हैं, और जैसे कि आपकी जो मोबाइल की मेमोरी है दोस्तों, वो भी एक चिप में ही होती है, जिसके वजह से आप जो डेटा को है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है रीड एंड राइट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप अपने हार्ड डिस्क के जगह पर अगर आप SSD लगवा देते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो काफ़ी फास्ट वर्क करेगा। और उसकी वजह दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर समझा दी है कि क्यों ये इतना फास्ट काम करेगा। तो जैसे कि अगर हम प्राइस की बात करें दोस्तों, तो हार्ड डिस्क से काफ़ी ज़्यादा महंगी जो है वो SSD है। अब अभी के टाइम पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप 240 GB के आसपास अगर अपनी SSD खरीदते हैं तो आपको 2500 से 3000 रुपये पड़ सकते हैं ऑनलाइन, शायद ये कम ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा था दोस्तों कि 240 GB का जो SSD है दोस्तों, वो यहाँ पर पड़ रहा था 2500 से लेके 3000 के बीच में। तो कहने का मतलब है कि ये फ़िलहाल तो अभी हमारे लिए कॉमन नहीं हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों SSD ड्राइव का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होने वाला है, जो कि आपके कंप्यूटर की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कंप्यूटर में स्पीड बढ़वाना चाहते हैं और एक अच्छा SSD खरीदना चाहते हैं, तो आप जो है इस SSD को खरीद सकते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों, यहाँ पर कनेक्टिविटी भी इसके अंदर में अलग अलग तरह के जो है SSD बने हुए हैं। जो नॉर्मली जो कनेक्टिविटी होती है, जो लेटेस्ट हमारे जो कंप्यूटर अभी चल रहे हैं, उसमें SATA जो है SSD का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो आप जो है SATA SSD भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों कि कैसे इसे परचेस करना है या कौन सा है, तो आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाकर जो है आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरह का SSD जो है वो लग सकता है। गाइस, ये है नई टेक्नोलॉजी जो कि है SSD। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो कि आपके कंप्यूटर स्पीड को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।